लेकिन मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो बड़े खुशी से फूले ना समा रहे हैं और कह रहे हैं देखें जी अब आपको खुश हैं, अब आपके साथ भी। अरे भाई शाकीन है क्रिकेट की, अभी हमारे नुमाइंदगान ने भी बताया कि बहुत ही अब दिल ही टूट गए, अब क्या कहें। लेकिन दिल टूटने की कोई बात नहीं है, हम हारने के आदि हैं। अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि लास्ट हम सेमीफाइनल हारे थे T20 वर्ल्ड कप का, इसी एक कैप्टनसी के फ्लॉज की वजह से। मैं एक बहुत बड़ा मौका कुदरत ने पाकिस्तान को दिया था, कुदरत के निजाम के तहत ही हम चल रहे थे, लेकिन कुदरत ने एक बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान को दिया था कि क्या करना है ग्राउंड में, जो होमवर्क करके आए हैं बस वही कर रहे हैं आप। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि गेम आपने कैसे इतना गोल्डन चांस कैसे स्पॉइल कर दिया आपने। इस चीज को हम करना, हमारा जो चीफ सेलेक्टर है वो तो नाम का टुल्ला है, ठीक है जी, वो बैठ जाता है लैपटॉप लेके, ठीक है, और उसको और कोई काम नहीं है, बस जैसा उसको हुक्म दे दिया जाता है वैसा कर लेता है। देखिए जब यहाँ पे हमारे साथ डेलमा ये है कि जो थोड़ा सा परफॉर्म करता है उसको हम हीरो बना देते हैं। मोहम्मद हारिस को हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इंजमामुल हक से 92 के मिला रहे थे और आज देखिए जरा सी बाउंसी पे मसला यही है कि फखर जमान को आप अनफिट लेकर के आ गए। आपको कहा जाता रहा कि मिडिल ऑर्डर में खुदा के लिए कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज लेकर के जाओ, लेकिन आप नहीं लेके गए। कौन जिम्मेदार है? अरे भाई रमीज राजा भी जिम्मेदार है कि जिसने कप्तान को इतनी खुली छुट्टी दी हुई है कि उसकी एक भी उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं, जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ लक आपको ना मिलता, नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को अपसेट ना करता, तो आप इस T20 वर्ल्ड कप में कहीं नजर ही ना आए होते और बहुत सारी पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप आ गया। फाइनल में एक बहुत बड़ा मौका कुदरत ने पाकिस्तान को दिया था, कुदरत के निजाम के तहत ही हम चल रहे थे, लेकिन कुदरत ने एक बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान अगर 150 से कुछ ज्यादा स्कोर कर लेता, 160 के करीब अगर पाकिस्तान स्कोर कर लेता तो ये T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का होता। एक ऐसी सिचुएशन में कि जब ये मैच आपके हाथ से था, आपने इस मैच को हाथ से गंवा दिया और यूं पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ा मौका जो कि आपको ऑब्वियसली सालों के बाद मिलता है वो मौका आपने गंवा दिया। 2011 के बाद आप किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे और यहां से आप जो है वो समझ लें कि बाहर चले गए। अब मसला ये है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदारी कोई ना कोई तो जाहिर बात है किसी ना किसी के सर तो होगी कि पाकिस्तान ये इस इंपॉर्टेंट मैच में क्यों हारा, और ना सिर्फ इस इंपॉर्टेंट मैच में बल्कि बहुत सारे इस तरह के इंपॉर्टेंट मैचेस में पाकिस्तान पिछले 1.5 से 2 साल से हार रहा है और वजह एक ही है, असल जिम्मेदारी एक ही है और वो जिम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। जाहिर बात है किसी ना किसी को तो वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल पाकिस्तान जीत भी जाता तब भी पाकिस्तान की टीम के अंदर जो मसाइल मौजूद थे इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में मौजूद रहे हैं, वो मसाइल कभी भी हल ना होते और अगर एक जिसको आप कहते हैं ना स्ट्रोक ऑफ लक आपको ना मिलता, नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को अपसेट ना करता तो आप इस T20 वर्ल्ड कप में कहीं नजर ही ना आए होते और बहुत सारी तब्दीलियां ऑलरेडी हो चुकी होती। बहरहाल किस्मत ने बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो आपको पता पर्दा डाल दिया है, लेकिन ये पर्दा डलने वाला नहीं है। लेकिन मेरे जो इंडियन दोस्त हैं वो बड़े खुशी से फूले ना समा रहे हैं और कह रहे हैं देखें जी अब आपको खुश हैं, अब आपके साथ भी। अरे भाई हमारी, हम उनको सुधारेंगे इंशाल्लाह। और उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती तो बाबर आजम की अपनी कप्तानी है, इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर ये कप्तानी हमें लेकर के डूबी और आज भी बाबर आजम की कप्तानी इज वन ऑफ द रीजंस। बाबर आजम की कप्तानी, बाबर आजम की जिद, बाबर आजम की सिलेक्शन, सब कुछ बाबर आजम का है तो बाबर आजम जिम्मेदार है ना, फिर इस हार का जिम्मेदार बाबर आजम है क्योंकि ये एक जो माइंडसेट, एक जो अप्रोच है ये बाबर आजम की जिम्मेदारी है। आप अनफिट लोगों को साथ लेकर गया है, परसों रमीज राजा साहब कह रहे थे हमने शाहीन को खिला के रिस्क लिया और वो रिस्क हमारा चल गया, ये चला है ना जी। आज वो एक डाइव लगाते हुए आज एक बार फिर अनफिट हो गया, आपने कच्चे को इस्तेमाल कर लिया, वो 2-3 मैचेस में किस्मत थी हमारी कि वो चल गया, ठीक है जी। अब आप अगर इतना फिट